हेलो बच्चों, मैं संजीदा हिंदी शिक्षिका एलपीएम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और परमपिता परमेश्वर से हमारी यही प्रार्थना है कि हम सब पर विशेष कृपा बनाए रखें। जैसा कि आप सभी को पता है कि पूर्व में ऑनलाइन कक्षाएं संचालित की जा रही थीं और शासन के आदेशानुसार उसे बंद कर दिया गया था, लेकिन अब पुनः ऑनलाइन कक्षाएं शासन की अनुशंसा से संचालित की जा रही हैं। तो आप सभी बच्चे क्या करेंगे, सभी कक्षाओं को अटेंड करेंगे और खूब मेहनत से अपनी पढ़ाई करेंगे। तो चलिए आज की कक्षा आरंभ करते हैं। देखिए बच्चों, आज हम लोग अपनी पाठ्य पुस्तक कक्षा 9 के क्षितिज के बारे में, जिसमें कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने गद्य खंड के पहले पाठ को पढ़ा, तो आज हम दूसरे पाठ को पढ़ेंगे जिसका नाम है, प्रकरण का नाम, लहासा की ओर। इसके लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग राहुल सांकृत्यायन जी के बारे में, जो लेखक हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि राहुल सांकृत्यायन जी का जन्म सन 1893 में उनके ननिहाल गांव पंदहा जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में हुआ था। और उनका मूल नाम केदार पांडे था। उनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई थी। फिर सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, तब से उनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया। और राहुल जी पाली, प्राकृति, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे, इसलिए उन्हें महापंडित भी कहा जाता था। और सन 1963 में उनका देहांत हो गया था। तो आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, राहुल सांकृत्यायन जी द्वारा लिखित लहासा की ओर, इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोग जानिए कि ये लहासा क्या होता है। लहासा क्या होता है? लहासा जो है एक जगह का नाम है, ठीक है। और लहासा की ओर, वहां पर एक जगह का नाम है, वहां जाने के लिए जो लेखक हैं वो किस तरह से यात्रा करते हैं उसके बारे में इसमें बताया गया है। और सबसे पहले हम जानेंगे कि ये लहासा की ओर किस विधा में लिखा गया है। तो इस विधा का नाम है यात्रा वृतांत। जैसा कि गद्य में अनेक विधाएं होती हैं, संस्मरण है, कहानी है, नाटक है, यात्रा वृतांत है, तो एक एक करके हम लोग आगे पढ़ेंगे। और ये लहासा की ओर जो राहुल सांकृत्यायन जी ने लिखा है, यह एक यात्रा वृतांत है। यात्रा वृतांत किसे कहते हैं? जब हम किसी जगह की यात्रा करते हैं और उसके बारे में उसको लिपिबद्ध कर देते हैं, मतलब लिख देते हैं, तो वही यात्रा वृतांत कहलाती है। तो राहुल जी की ये पहली तिब्बत की यात्रा है। तिब्बत की यात्रा एक रचना है। ये लहासा जाते हैं, तिब्बत में ही है वो पड़ता है, तो लहासा जाते हैं। तो कैसे कैसे वो लहासा जाते हैं, वहाँ रास्ते में किन किन जगहों पर वो पहुँचते हैं और वो लहासा पहुँच भी पाते हैं या नहीं, इसके बारे में हम इसमें बताया गया है। इसमें पूरी तिब्बत यात्रा का वर्णन नहीं किया गया है, थोड़े से खंड के बारे में बताया गया है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इस यात्रा वृतांत में राहुल सांकृत्यायन जी ने क्या बताने का प्रयास किया है।
जिस समय राहुल सांकृत्यायन जा रहे थे लहासा की ओर, उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी। जो भारतीय होते थे उनको तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं होती थी। तो उस समय क्या होता था, नेपाल के रास्ते से ही लोग जाते थे तिब्बत की यात्रा के लिए, तो भारतीयों को अनुमति थी नहीं। तो राहुल सांकृत्यायन जी क्या करते हैं, वह एक भिखारी का रूप धारण करके और यात्रा की ओर निकल पड़ते हैं। फिर रास्ते में उन्हें लहासा जब जाते हैं तो उन्हें बहुत सारे दुर्गम रास्ते दिखाई पड़ते हैं, जिसके बारे में उन्होंने इसमें बहुत ही रोचक शैली में इसका प्रयोग किया है। इस यात्रा वृतांत से हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में भी जानकारी मिलती है। तो आइए अब हम लोग इस कहानी को देखते हैं कि इसमें क्या लेखक ने बताने का प्रयास किया है। लेखक की यह पहली यात्रा होती है तिब्बत की यात्रा लहासा की ओर। देखिए इसमें लिखा है, वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। चीन में, नेपाल के साइड में जो चीन देश है, चीन में एक तिब्बत का पठार है और उसी तिब्बत के पठार से हमारी एक मानसरोवर झील निकलती है और उसी मानसरोवर जो झील है तिब्बत के पठार में, उसी मानसरोवर झील से सिंधु नदी का उद्गम होता है। सिंधु नदी के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, सिंधु नदी के नाम पर हमारी हिंदी का नाम पड़ा है। हिंदी अरबी भाषा का शब्द है, संस्कृत से इसका जन्म हुआ है और हिंदी में ई प्रत्यय है। हिंदी का अर्थ होता है दुष्ट लोगों के संहार करने की भाषा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो इसमें लेखक जब जाते हैं नेपाल के रास्ते से तिब्बत की ओर, तो सबसे पहले रास्ता पड़ता है फली कलिंगपोंग का रास्ता। जब खुला था तो नेपाल में हिंदुस्तानियों को जाने की अनुमति नहीं दी जाती थी, बाकी सभी लोग अपना जाया करते थे व्यापार के लिए। तो इस तरह से इस कहानी में बताया गया है कि राहुल सांकृत्यायन जी जब वेश बदल कर जाते हैं भिक्षुक का, तब वहाँ पर क्या होता था। देखिए यहाँ से देखिए, तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें होती थी और कुछ आराम की बातें भी। तिब्बत में छुआछूत भेदभाव इसका सवाल नहीं था और औरतें पर्दा भी नहीं करती थीं। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को चोरी के डर से लोग अपने घर में नहीं आने देते थे, और अगर कोई अपरिचित व्यक्ति है तो उसको घर में आने देते थे। तो जो भिखारी होते थे उनके पास क्या होता था, कुछ भी नहीं। तो उनको लोग समझते थे कि कहीं ये चोरी न कर ले, इसलिए उसे चोरी के डर से अपने घर में नहीं आने देते थे, और अगर कोई अपरिचित व्यक्ति होता था तो उनको घर में आने देते थे। और तिब्बत का रास्ता जो है वो बहुत ही कठिन था। तो इसमें क्या होता है, तिब्बत के रास्ते पर जाते समय वहाँ पर बहुत सारे डाकू होते हैं, डाकुओं का निवास होता है। अगर कोई व्यक्ति उस रास्ते से जाता था तो पहले उसे वो मारते थे, इसके बाद उनके पास जितना भी पैसा धन कुछ भी होता था उसको वो लूट लेते थे, और अगर नहीं मारते तो उनको भी डर बना रहता कि कहीं हम ही पर हमला ना हो जाए। तो इसलिए वहाँ पर जब डाकू मार देते थे तो इसका भी डर था, अगर डाकू मार देंगे तो उस सुनसान जगह पर कौन जाएगा, कौन पुलिस जाएगी देखने के लिए, तो कुछ पता भी नहीं चलता था। वो तो अगर अपने जगह हो तब ना पुलिस इस पर ध्यान देगी, सुनसान रास्ते में अगर किसी को मार दिया जा रहा है तो उस पर कौन ध्यान दे रहा है। तो इसलिए डर के मारे वहाँ पर लोग जाते थे। और जब भिखारी का रूप धारण करके राहुल सांकृत्यायन जी जाते हैं तो रास्ते में क्या क्या होता है वह देखिए। वहाँ के लोग अगर उनको चाय दे दी जाए, जैसे अगर अपरिचित व्यक्ति हैं तो किसी के घर में भी अगर वो कह देंगे कि हमें चाय बनाकर दे दो एक कप, तो वो लोग बड़े ही आराम से घर की जो स्त्रियाँ होती हैं वो चाय बनाकर उनको दे देती हैं।
तो वहां पर कोई पर्दा प्रथा भी नहीं थी। और जब चीनी किले से यात्री चलने लगते हैं तो वहां से राहदारी मांगी जाती है। जैसे राहुल सांकृत्यायन जी जब जा रहे थे भिखारी के वेश में, तो उस रास्ते से जाने की राहदारी, राहदारी मतलब जो टैक्स दिया जाता है रास्ते पर चलने के लिए, तो उनको टैक्स दिया जाता था। और उसी समय टैक्स देकर जब वो आगे बढ़ते हैं, और वो जाते किसके साथ है, सुमति नाम का उनका एक मित्र मिल जाता है, वो भी भिखारी ही होता है, दोनों एक साथ जाते हैं। और उसी दिन वो थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच जाते हैं। जब वो ल्हासा की ओर जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो थोंगला नाम की एक जगह होती है, उसके पहले आखिरी गांव में जब पहुंचते हैं तो वहां उनके एक दोस्त सुमति मिल जाते हैं, जो स्वयं भिखारी होते हैं, तो उन्हीं के साथ वो आगे जाते हैं। और जब इसके पहले भी 5 साल पहले ये जो लेखक थे ये वहां पर जा चुके होते हैं, लेकिन उस समय वो लेखक के रूप में जाते हैं, इसलिए वहां पर उन्हें ठहरने के लिए कुछ कोई अच्छी जगह भी नहीं मिलती, क्योंकि बहुत ही परेशानी से उनको जगह दी जाती थी। तो जब वो लेखक के रूप में पहुंचे थे तो उनको रहने के लिए कोई अच्छी जगह नहीं मिली थी, किसी की झोपड़ी थी वहां पर वो ठहरे थे। और इस बार गए हैं तो भिखारी के रूप में गए हैं, और उनके दोस्त जो सुमति होते हैं वो भी एक भिखारी ही होते हैं। तो जब साथ में जाते हैं तो वहां पहुंचकर उन्हें एक अच्छी जगह भी मिल जाती है। तो फिर आगे देखिए क्या होता है। चलते चलते उन दोनों वो दोनों इतने थक जाते हैं कि सोचते हैं कि चलो हम लोग अगर दो घोड़ों को ले लें तो उससे हम लोग अपनी यात्रा करेंगे। तो दोनों घोड़े पर बैठकर, अलग अलग घोड़े पर बैठकर जाते हैं, और चलते चलते जो सुमति होते हैं उनका घोड़ा आगे निकल जाता है, और ये जो लेखक जी होते हैं इनका घोड़ा बहुत थक जाता है इसलिए धीरे चलने लगता है। और सुमति को जहाँ जाना रहता है वो वहाँ पर पहुँच कर लेखक का इंतजार करते हैं। और ये जो लेखक होते हैं ये बहुत पीछे छूट जाते हैं, और जाते जाते ये गलत रास्ते पर चले जाते हैं। एक जगह ऐसा आता है जहाँ पर दो रास्ते होते हैं, तो अगर उन्हें जिस जगह जिस रास्ते से जाना होता है उस रास्ते पर न जाके वो दूसरे रास्ते से आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद वहाँ पर किसी से पूछते हैं तो पता चलता है कि वहाँ जाने का रास्ता तो पीछे ही था, दाएं से जाता है और आप लोग बाएं चले आए। तो फिर वहां से अपने घोड़े को घुमाकर वो उस रास्ते से जाते हैं। और फिर देखिए क्या होता है। सबसे विकट डाढ़ा ठोंडला पार करना था। जो ठोंडला नाम की जगह थी, डाढ़ा, डाढ़ा का क्या अर्थ होता है, जो सबसे ऊंचा रास्ता होता है उसी को डाढ़ा बोलते हैं, ऊंचा रास्ता, ऊंची जमीन। तो ठोंडला में जो जमीन थी वो बहुत ही ऊंची थी, सबसे कठिन रास्ता वही था उसको पार करना। और डाढ़े तिब्बत में सबसे खतरे की जगह होती थी, क्योंकि 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई होने के कारण दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव भी नहीं दिखता था, और नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोने के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा भी नहीं जा सकता था, और वहीं पर डाकुओं का निवास होता था। इसके बाद जब वो लोग आगे चलते हैं, तो चलते चलते जब वो लोग आगे पहुंचते हैं अपने मिशन पर जहां उनको पहुंचना होता है ल्हासा की ओर, तो आगे जाते हैं। तो जाने के बाद क्या होता है, बहुत ही ऊंचाई वाली जमीन पर उन्हें चढ़ना होता है। तो जब ऊंचाई पर चढ़ेंगे, देखिए यहाँ पर दिया है अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। सुमति ने कहा कि यहाँ से लंगकोर तक के लिए घोड़े कर लेते हैं। तो इसमें कुछ कठिन जगहों के नाम आए हैं, उनको आप सभी को याद करना पड़ेगा, जैसे थोंगला है, लंगकोर है, इन सब जगह को दोन
क्वेस्तो है, इन सब जगह को आपको याद करना पड़ेगा, ये सभी पूछे जाते हैं। तो जब चलते चलते क्या होता है कि ऊपर 17,000-18,000 फिट ऊंचे जो जमीन होते हैं उस पर वो लोग जब चलते हैं तो दक्षिण की तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर दिखते हैं। मतलब जब ऊंचाई पर वो लोग चढ़ते हैं तो दक्षिण की तरफ क्या होती है, हिमालय के हजारों श्वेत शिखर मतलब बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें दिखाई पड़ती हैं सफ़ेद सफ़ेद, और भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, वहाँ न बर्फ थी न सफ़ेदी थी, मतलब वहाँ पर कोई रहता नहीं था। इसलिए जब ऊंचाई पर वो लोग चढ़े तो दक्षिण की ओर देखे तो उन्हें बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत एकदम सफ़ेद बर्फ के दिखाई पड़े, और वहाँ पर कोई सफ़ेदी भी नहीं थी और पहाड़ बिल्कुल सादे दिखाई पड़ रहे थे, और वहाँ पर किसी भी तरह की हरियाली भी नहीं थी, और उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियाँ दिखाई पड़ रही थी। तो इस तरह से वो लोग चढ़ते चले गए, और जब वो लोग ऊपर की ओर जाते हैं तो आपको पता है तिब्बत की ओर जाने में ऊंचे ऊंचे जो हिमालय होते हैं वहाँ पर कितनी ठंड पड़ती है। तो जब अपने पीठ पर सामान लेके ऊंचाई की तरफ वो लोग जाते हैं तो सिर पर उनके सीधे जो है कि सूर्य की रोशनी पड़ती है, बहुत गर्मी होती है, और अगर वह अपने सर को ढक लेते तो उससे उनको और गर्मी लगने लगती। तो सर पर सीधा धूप पड़ता और पीठ की तरफ क्या होता है, पीछे की तरफ बर्फ होता है ना, तो बर्फ की वो ठंडी एकदम बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, बर्फीली हवाएं। तो ऊपर की ओर जब वो जाते तो ऊपर से सूर्य की रोशनी सर पे पड़ती जिससे उन्हें आगे की तरफ बहुत गर्मी लगती, और पीठ की तरफ पीछे की तरफ क्या होता, बर्फीली हवाएं चलती जिससे उनका जो पीठ है वो एकदम ठंडा हो जाता। तो ऐसे चलते चलते वो लोग अपने स्थान पर पहुँच जाते हैं, और वहाँ पर जाकर देखते हैं कि अब हम टिंडरी के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा टापू होता था जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है, और इस पहाड़ी का नाम था टिंडरी समाधि गिरी। टिंडरी किसको कहते हैं, टिंडरी के विशाल मैदान थे, जब ये लोग ऊपर जाते हैं तो चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ एक टापू दिखाई पड़ता है, उसी के बीचों बीच में जो मैदान दिखता है उसी मैदान को टिंडरी के नाम से जानते हैं, और वही दिखा। तो वहाँ पर जब ये लोग पहुँचे तो वहाँ पर भी आसपास के गांव में सुमति के यजमान रहते थे, मतलब वो सुमति भिक्षुक थे, वो सबसे जब भिक्षा मांगते थे तो उनको कुछ वस्त्र या बहुत सारी चीज़ें जब मिलती थीं तो वो क्या करते थे, जो कपड़े मिलते थे उससे पतली पतली चीरी बत्तियों के गंडे बनाने के काम आते थे। गंडे मतलब छोटे छोटे कपड़े को काट कर उस पर फूंक मार कर कुछ गंडे बनाए जाते थे रक्षा करने के लिए। तो वो जाते हैं और कहते हैं लेखक से कि आप भी हमारे साथ चलिए, तो लेखक कहते हैं कि नहीं जाने दीजिए, अगर हम भी चलेंगे तो वहाँ पर बहुत टाइम लग जाएगा, आप भी मत जाइए और हम भी नहीं जाएंगे, और जब आपको पैसा ही चाहिए तो जब मैं वापस अपने घर लौटूंगा तो आपके पास पैसे भेज दूंगा। इसके बाद सुमति बोलते हैं अच्छा ठीक है। फिर जाते जाते जब वो लोग जाते हैं तो जब टिंडरी वो लोग पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर वो मना कर देते हैं। तो इसके बाद क्या होता है, तिब्बत की ज़मीन बहुत अधिक छोटे मतलब जहाँ उनको जाना होता है वहाँ वो लोग पहुंच जाते हैं, और पहुंचने के बाद देखते हैं कि तिब्बत की ज़मीन बहुत छोटी होती है और छोटे बड़े जागीरों में बटी होती है, वहाँ का अधिकतर हिस्सा मठों के हाथ में होता है, और
वहां के पुरुष जो होते हैं बहुत ही सज्जन पुरुष होते हैं। तो फिर वहां जब जाते हैं तो जो सुमति उनका दोस्त भिक्षुक होता है उसके कुछ परिचित लोग वहां भी मिल जाते हैं, क्योंकि वो वहां पर गया होता है पहले भी। तो वो कहता है कि यहाँ पर हमारे कुछ परिचित लोग हैं, क्या आप चलना चाहेंगे लेखक से? तो लेखक उन्हें मना कर देता है, कहता है कि ऐसा है आप जाइए, हम अभी यहीं पर रुकेंगे। तो वो चला जाता है सुमति, क्योंकि वो भी सोचता है इतनी दूर आए हैं तो भिक्षा ले लें तो हमारा भी कुछ फायदा हो जाएगा। तो वो चला जाता है और जो लेखक रहते हैं वो मना कर देते हैं। और वहां पर एक बहुत अच्छा सा मंदिर होता है जिसमें कंजूर बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियां रखी होती हैं, और उनका आसन भी वहीं पर लगा होता है। वह बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी होती हैं। एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं रही होगी। तो सुमति ने फिर जब जाने के लिए पूछा तो लेखक ने मना कर दिया। तो सुमति चले जाते हैं और लेखक क्या करते हैं, वो तो पुस्तकों के भीतर थे। लेखक कहते हैं मैं अब पुस्तकों के भीतर था इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए मना कर दिया। दूसरे दिन वह गए और वहां पर 2-3 दिन लगा और दोपहर के बाद से वे चले आए। टिंडरी गांव वहां से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नम से विदाई लेकर चल पड़े। जब उस मंदिर में वो लोग पहुंचे तो सुमति जो थे वो और भी लोगों से मिलकर भिक्षा ले लिए। इसके बाद लेखक जो थे उस मंदिर में बैठकर उस 103 पोथियों को वो पढ़ने में व्यस्त हो गए। और पढ़ने के बाद वो लोग वहां से एक साथ, वहां पर जितने भिक्षुक थे सबसे उन लोगों ने नमस्ते किया और विदाई लेकर वहां से चल पड़े। तो इसमें लेखक ने अपनी पूरी तिब्बत यात्रा का वर्णन नहीं किया है, उसके छोटे से एक खंड को बताने का प्रयास किया है। तो यहाँ हमने पाठ को आपको अच्छे से समझाया और इन्होंने अपनी पूरी यात्रा का वर्णन भी यहाँ पर नहीं किया कि वो ल्हासा की ओर जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को ये चीजें समझाई कि कैसे कैसे मुश्किल परिस्थितियों में वो आगे की ओर बढ़ते हैं। इन सब में जो जगह का नाम है वो बहुत ही कठिन है, उसको आप लोग को याद करना पड़ेगा, ठीक है? जब हम यात्रा वृतांत पढ़ते हैं तो नॉर्मल चीजों को बहुत जल्दी जोड़ लेते हैं। जैसे हम अगर कहीं जा रहे हैं तो रास्ते में हमें जितनी चीजें दिखाई पड़ी तो उनको अगर सोचकर हमें लिखना है तो हम बड़े ही आराम से उसको लिख सकते हैं। यही यात्रा वृतांत कहलाती है। लेकिन लेखक कहते हैं कि वहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं, मतलब तिब्बत के पठार में जब ल्हासा की ओर वो जाते हैं, तो लेखक कहते हैं कि वहाँ की परिस्थितियाँ, वहाँ के नाम, वहाँ की भौगोलिक स्थितियाँ, इन सभी चीज़ से वो परिचित नहीं होते हैं। तो वहाँ का कैसा मौसम है, वहाँ पहाड़ है, नदी है, समुद्र है, क्या है, इन सब चीज़ों से कोई पहली बार में ही जाकर कनेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि ये प्राकृतिक चीज़ें हैं। तो उसी तरह से इस पाठ में जगहों के नाम भी बहुत कठिन आए हैं, तो जो कि समझ में नहीं आता कि ये कहाँ से कहाँ पहुँचे और कहाँ इन्हें जाना था, ठीक है? तो इसी कहानी को राहुल सांकृत्यायन जी ने अपने इस यात्रा वृतांत ल्हासा की ओर इसमें बताने का प्रयास किया है। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आप सभी अच्छे से समझ गए होंगे और आप सब नोट्स बनाकर तैयारी करते रहें, और जो समस्त कक्षाएं हैं इसको आप सभी एकदम टाइम से क्या करें, अटेंड करें, ठीक है? और अगर कहीं कोई समस्या आती है तो कमेंट करें और आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। समस्त कक्षाओं को आप लोग अटेंड करिए और नोट्स बनाते चलिए, इससे आपकी पढ़ाई अच्छे तरह से हो सकेगी। और
मेरा जो चैनल है स्टडी विद संजीदा, इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि जब हम वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है बच्चों, तो चलिए, धन्यवाद।